किसान भाइयों नमस्कार, मैं पिन सिंह आप सभी भाइयों का आपके अपने चैनल इंडियन फार्मिंग ज्ञान में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, गेहूं बुआई का कार्य कुछ क्षेत्रों में संपन्न हो गया होगा और किसान पहली सिंचाई पर दिए जाने वाले उर्वरक की व्यवस्था बना रहे होंगे। कुछ क्षेत्रों में अभी गेहूँ की बुआई का कार्य शुरू हो रहा होगा तो कुछ क्षेत्रों में अभी गेहूँ बुआई का कार्य 20 नवम्बर के बाद शुरू होगा। गेहूँ की अच्छी ग्रोथ और पौधे में अधिक टिलरिंग गेहूँ उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गेहूँ की फसल में बुआई के समय और पहली सिंचाई पर दिए जाने वाला उर्वरक फसल की नींव तय करता है। यह फसल को काफ़ी मजबूती देता है। यह फसल के विकास के लिए सबसे अधिक सहायक है। बुआई के समय किसान DAP, सिंगल सुपर फास्फेट, जिंक, सल्फर, पोटास आदि देते हैं तो पहली सिंचाई पर किसान ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए यूरिया को ही मुख्य पोषक तत्व मानते हैं, जो सही नहीं है, बल्कि पहली सिंचाई पर बेहतर ढंग से उर्वरक का प्रबंधन करना चाहिए। पहली सिंचाई करने के 5 दिन बाद जब जमीन पर पैर टिकने लगे तो प्रति एकड़ 40 से 45 किलो यूरिया लेकर उसमें 5 किलो जिंक सल्फेट और साथ में सल्फर 80/65 WDG 3 से 4 किलो मात्रा लेकर सभी को एक साथ मिलाकर फसल को छिट्टा लगाकर देना चाहिए। यह पहली सिंचाई पर अनिवार्य रूप से देना चाहिए। इतना भी यदि पहली सिंचाई पर देते हैं तो फसल हरी होकर बढ़ने लगती है, पौधे की जड़ें गहरी फैलने लगती हैं, पौधे से कल्ले फूटने शुरू हो जाते हैं। यदि आर्थिक संपन्नता कम है तो इतना उर्वरक पहली सिंचाई पर दे देने से भी फसल की ग्रोथ में किसी भी तरह की कमी देखने को नहीं मिलती है। अगर आर्थिक संपन्नता है तो साथ में बायोबीटा या सागरिका जैविक खाद भी पहली सिंचाई पर देना भी ज़्यादा फायदेमंद साबित होता है। बायोबीटा का प्रति एकड़ डोज 4 किलो है तो ही सागरिका का प्रति एकड़ डोज 10 किलो है। इनके इस्तेमाल से भी फसल को काफ़ी ऊर्जा मिलती है। यदि आपके क्षेत्र में बायोबीटा या सागरिका नहीं मिल रही है तो किसी भी अच्छी कंपनी का जैविक उत्पाद लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा आप चाहें तो सरसों की खली का महीन चूरा बनाकर भी यूरिया के साथ शामिल कर सकते हैं। बहुत से किसान लगभग अपनी सभी तरह की फसलों में सरसों की खली का इस्तेमाल करते हैं। सरसों की खली का बढ़िया रिजल्ट मिलता है। किसान भाइयों, गेहूँ की पहली सिंचाई पर यदि इन सब उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं तो फसल की अच्छी ग्रोथ भी होती है और पौधे से अधिक कल्ले भी फूटते हैं। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।